फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। हम करने जा रहे हैं रीकैप। रीकैप कौन से चैप्टर का? जो हमने कल किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर का, हम रीकैप करने जा रहे हैं। अच्छे से ध्यान देना। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था? गुडविल क्या है, तो क्या बोला था जी? गुडविल का मतलब क्या होता है? तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन अ फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। मतलब नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट के ऊपर हम जितना भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने की जो अर्निंग कैपेसिटी फर्म की होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? गुडविल कहते हैं, राइट ना? देन हमने देखा था एक्चुअली गुडविल है तो गुडविल क्यों बनता है। तो एग्जांपल क्या था? लोकेशन एडवांटेज, जैसे मैंने आपको गोलाई का एग्जांपल दिया था, बेटर कस्टमर सर्विस और पोजीशन ऑफ यूनिक पेटेंट राइट्स, पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क आपके पास हो तो इट जनरेट्स गुडविल। पर्सनल रेपुटेशन भी हो सकता है पार्टनर का, है ना? ये था। देन हमने देखा था नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि यार एक गुडविल को अपन वैल्यूएट करेंगे तो क्यों करेंगे, मतलब क्या जरूरत है गुडविल को वैल्यूएट करने की। पहला क्या देखो, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए तो हमें गुडविल को रिकम्प्यूट करना पड़ता है, राइट ना? फिर ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, देन क्या था? ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, देन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड ऑन द सेल ऑफ बिजनेस। ओके, एग्जाम में इसको लेकर आपको एमसीक्यू वाला क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कब कब हमें गुडविल को वैल्यूएट करने की जरूरत पड़ती है। देन था कौन कौन से मेथड्स है जो अपन लोग फॉलो करते हैं। देखिए कौन कौन से मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड एंड एन्युटी मेथड। इतने मेथड्स है जो हम लोगों को फॉलो करनी है। आगे क्या देखो, एवरेज प्रॉफिट क्या बोलता है? अगर आपके प्रॉफिट में कंसिस्टेंट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है तो अपन कौन से मेथड फॉलो करते हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड अपन फॉलो करते हैं। मतलब करना भी चाहिए हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट ना? तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगी। देन हमने क्या बोला था, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रॉफिट्स। क्या लिखा देखिए, सम ऑफ द प्रॉफिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इयर्स। देन क्या था रहे? ये किसका आंसर क्या निकल रहा? एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकल करके आ गई तो आपको इनटू क्या करना, इयर्स ऑफ परचेस, क्या मिल जाएगा? गुडविल। जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक छोटा सा एग्जांपल करना आपके साथ, तो जैसे मान के चलो 1, 2, 3 तीन साल की प्रॉफिट है, मान के चलिए 4,000 रुपए, ये 3,000 रुपए और 4 × 7 और ये फिर से कितना है 3,000, टोटल कितना हो रहा है इसका 10,000। तो ये टोटल हो गया 10,000। ओके, अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो मैंने कहा 10,000 / 3, बोलो कितना आता है? 3,333, इतना ही तो आ जाएगा। ये आपकी एवरेज प्रॉफिट है। अभी एवरेज प्रॉफिट को अगर तुमने इनटू कर दिया एग्जांपल के लिए 2 साल, तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 साल के लिए गुडविल मिल जाएगा। सिंपल एप्लीकेशन था इसका, इसकी एप्लीकेशन सिंपल थी ना? यस। उसके बाद हम कौन सा मेथड देखने वाले थे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा जी? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब याद रखना, अगर क्लियर इंक्रीज या डिक्रीज दिख रहा है आपको प्रॉफिट में या अपने लॉस में, है ना, अगर क्लियर इंक्रीज या डिक्रीज दिख रहा है तो हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? करेक्ट। वेटेड एवरेज में हम क्या करते हैं? ईयर इनटू प्रॉफिट। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 साल की प्रॉफिट दे रहा हूं आपको। कैसे देखिए, ये है मान के चलना 4,000 रुपए, ये है 5,000 रुपए, ये आ गया दोबारा 3,000 रुपए, फिर ये आ रहा है 7,000 रुपए और ये आ रहा है 9,000। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में इनटू लगा देना है बस, है ना? ये इनटू, फिर इसे इनटू करो, इसे इनटू करो, इसे इनटू करो, इसे इनटू, और इसका सम क्या करना है, अगले कॉलम में लिख लेना, तो आपको क्या मिल जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और वेट कैसे निकालना है ये तो समझ में आ गया। देन इसका टोटल क्या करोगे? डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट, क्या मिल जाएगा आपको? एक्चुअली ना, हाँ, मैंने इन दोनों का इनटू यहां पर किया और वेटेड एवरेज जो प्रॉफिट निकलता है उसका आंसर यहां पे लिखा, समझे ना? मतलब ये जो इनटू है ना, जो मैंने यहां पे दिया है वो एक्चुअली, हाँ, मैंने यहां पे करवाया था। जैसे ये देखिए 1 × 4,000, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 4,000 इस हिसाब से। देन समझ में आ गया ना? डन। देखिए आइए क्या बेटा, सुपर एवरेज प्रॉफिट तो समझ में आ गया। ओके, अभी ये सुपर प्रॉफिट मेथड सिंपल क्या, देखो सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले सुपर प्रॉफिट क्या थी, देन हमने बोला सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस व्हाट, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या मिल जाएगा हमको? सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। देन क्या था,
नॉर्मल प्रॉफिट कैसे मिलेगा रेन? तो हमने क्या बोला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बोलिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देन क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज। देन गुडविल कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू इयर्स ऑफ परचेस। सिंपल था ना, बहुत सिंपल मेथड है ये भी। देन आगे बढ़ेंगे अपन एनुइटी मेथड के तहत। एनुइटी मेथड क्या बोलता है, एनुइटी मेथड इज इक्वल टू क्या बोलता है, एनुइटी वैल्यू इनटू प्रॉफिट, एनुइटी वैल्यू इनटू प्रॉफिट। बड़ा सिंपल है, आपको एग्जाम में एनुइटी वैल्यू भी दिया जाएगा और प्रॉफिट भी दिया जाएगा, आपको बस क्या करना है, इनटू कर देना, आपको गुडविल मिल जाएगा। और देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर क्या करेंगे अपन, सुपर प्रॉफिट ओवर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हालांकि इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। और ये आपके लिए था छोटा सा रिकैप।